जय श्री राम। सोरठा है जो सुमिरत सिद्धि होई गन, नायक करी बर बदन, करउ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। अब हम इन शब्दों का अर्थ जानते हैं। जिन्हें स्मरण करने से, कहने का मतलब जो जिन्हें सुमिरत स्मरण करने से, याद करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। होई मीन्स हो जाते हैं, सिद्धि का मतलब सफलताएं, अर्थात सफलता तब प्राप्त होती है जब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो होई हो जाते हैं, सिद्धि का मतलब सभी कार्य, जिनको याद करने से सभी कार्य हो जाते हैं। सुमिरित का मतलब याद करने से, होई हो जाते हैं, सिद्धि सभी कार्य। गण गणों के नायक का मतलब स्वामी, नायक का मतलब स्वामी नेता, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। करी का मतलब हाथी, बर का मतलब सुंदर, सुंदर हाथी के बदन का मतलब मुख वाले हैं, जो सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि। यहां पर देखिए बुद्धि, सोई, सोई का मतलब वे ही, बुद्धि के राशि, राशि का मतलब खजाना, जिनके पास में बुद्धि अपार है वे ही बुद्धि के राशि। और शुभ गुणों के धाम, शुभ गुण का मतलब गुणों के सदन, सदन बोलते हैं घर को, वे ही शुभ गुणों के घर, अर्थात जिसमें शुभ गुणों की कोई कमी नहीं हो, अथाह हो, वे ही शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी। अनुग्रह का मतलब कृपा, अनुग्रह मीन्स कृपा, मुझ पर कृपा। करहु, करहु का मतलब होता है करें। एक बार फिर देखेंगे, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। इससे आगे, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। अब देखिए, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, बोलने वाला होता है। तो देखिए, जासु का मतलब जिनकी, कृपासु कृपा से, मूक गूंगा, वाचाल का मतलब बोलने वाला होई हो जाता है। जासु कृपासु, जिनकी कृपा से मूक गूंगा
वाचाल बोलने वाला हुई हो जाता है। और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। गहन का मतलब जहां पर जाना बहुत मुश्किल होता है। गिरिवर गिरियों में श्रेष्ठ, पर्वतों में सबसे ऊंचा। चढ़ई का मतलब चढ़ जाता है। जिनकी कृपा से पंगु का मतलब लंगड़ा, गिरिवर सबसे ऊंचे पर्वत पर, चढ़ई का मतलब चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले, कली कलयुग के मल पापों को दहन जला डालने वाले, कितने पापों को? सकल सब पापों को। कली कलयुग के मल पापों को दहन जला डालने वाले, सकल कलिमल दहन कलयुग के सभी पापों को जला डालने वाले, दयाल दयालु, द्रवऊ कामलम मुझ पर कृपा करें। दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर कृपा करें। नेक्स्ट, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करव सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, नील सरोरुह कमल के समान श्याम श्याम वर्ण है, और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, तरुण पूर्ण रूप से खिले हुए, अरुण बारिश लाल कमल के समान, नयन का मतलब नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, सदा हमेशा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। सो वे मम मेरे उर हृदय में, धाम का मतलब होता घर, करव का मतलब करें, वे मेरे हृदय में घर करें अर्थात मेरे हृदय में निवास करें, मेरे हृदय में आकर के ही रहें, ऐसा बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इससे आगे वाला सोरठा है, कुंद इंदु सम देहे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेहे करव कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी की प्रियतम उमा रमन और दया की धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले, शंकर जी मुझ पर कृपा करें। जिनका कुंद की पुष्प और चंद्रमा के समान गोर शरीर है, जिनका कुंद की पुष्प और चंद्रमा के समान गोर शरीर है, कुंद का मतलब कुंद के फूल,
हिंदू बोलते हैं चंद्रमा को। सम का मतलब समान, देह मीन्स शरीर। जिनका कुंड की फूल और चंद्रमा के समान गोर शरीर है। और उमा रमन जो पार्वती जी की प्रियतम है, जो पार्वती जी की प्रियतम है। और दया के धाम है करुणा, करुणा मीन्स दया के अयन धाम है, जो दया के धाम है। और जिनका दिनों पर स्नेह है, जाहि जिनका दीन का मतलब गरीबों पर, दीन पर गरीबों पर नेह है, स्नेह है। वे कामदेव का मर्दन करने वाले, मर्दन मयन, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें, करौ करें कृपा। कृपा किस पर? मुझ पर कृपा करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गोर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज की चरण कमल की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों का समूह है। मैं उन गुरु महाराज को नमन करता हूं। तो देख जानते हैं, मैं उन गुरु महाराज की चरण कमलों की वंदना करता हूं, उन गुरु महाराज की चरण कमलों की वंदना करता हूं। पद कंज चरण कमलों की, इनकी गुरु गुरु के चरण कमलों की बंदों वंदना करता हूं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं। कृपा दया के लिए सिंधु समुद्र हैं, वे कृपा के समुद्र हैं, और नर रूप मनुष्य रूप में हरि हैं, भगवान हैं। और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं, और जिनके वचन जासु वचन, जिनके वचन महामोह रूपी, तम का मतलब अंधकार के, कुंज का मतलब समूह का, रवि सूर्य, और जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने में रवि कर सूर्य की किरणों के निकर, सूर्य की किरणों के समान है, सूर्य की किरणों के समूह के समान है। निकर का मतलब होता है खजाना। तो सूर्य की जब किरणें आती हैं, तो पूरा का पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। तो बताया है कि मैं गुरु महाराज की चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र हैं और मनुष्य रूप में हरि हैं, जिनकी कृपा से जासु वचन, जिनकी वचनों से महामोह रूपी अंधकार का समूह भी
नष्ट हो जाता है। रवि कर निकर सूर्य की किरणों के समूह से जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु महाराज के वचनों से महामोह रूपी अंधकार भी नष्ट हो जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, बंदों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिये मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज की चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। तो जानते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, बंदम वंदना करता हूं, गुरु गुरु महाराज की पदम पद पदम चरण कमलों की, परागा रज, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं। सुरुचि, जो सुरुचि है, और सुबास सुगंध सैरस रस से परिपूर्ण अनुराग प्रेम से भरे हुए, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल, मूल मीन्स जड़, कैसी जड़, संजीवनी जड़ी, अमीय, अमी मीन्स अमृत के समान, मूलिमय मूल संजीवन जड़ी, चारु का मतलब सुंदर, चूरण का मतलब चूरण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है, सकल संपूर्ण भव रुज परिवारों, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का समन नाश करने वाला है, ऐसे गुरु महाराज की चरण कमलों की वंदना करता हूं। इससे आगे, सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गन बस करनी, वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। तो आइए जानते हैं शब्दों का अर्थ। वह रज, कौन सी रज, गुरु महाराज के चरण कमलों की रज। सुकृति का मतलब पुण्यवान पुरुष, सुकृति पुण्यवान पुरुष, रूपी शिव जी के शरीर पर, शंभु का मतलब शिव जी के तन शरीर पर, विमल, विमल का मतलब निर्मल, विभूति का मतलब विभूति है, रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, वह रज।
सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और मंजुल का मतलब सुंदर, मंगल कल्याण करने वाली, मोद आनंद प्रसूति का मतलब उत्पन्न करने वाली, सुंदर कल्याण करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, प्रसूति की जननी है, सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। क्या वह रज सुकृति, वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और वह कैसी है? सुंदर मंजुल में सुंदर, मंगल कल्याण मोद और आनंद की प्रसूति जननी है। भक्त के मंद रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, मुकुर का मतलब होता है दर्पण, मंजू मीन्स सुंदर, जन का मतलब मनुष्य के मन, मनुष्य का मन में जो मल है, मनुष्य के मंद रूपी मंजू सुंदर मुकुर दर्पण में, मनुष्य के मंद रूपी मंजू सुंदर मुकुर दर्पण में मल मैल को हरनी हरने वाली है और किए तिलक तिलक करने से, तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है, गुण गुणों के गण का मतलब समूह को वश में करनी करने वाली, और जब तिलक करने से गुणों के समूह को किए तिलक, तिलक किए तिलक के करने से गुण गुणों के गण समूह को वश करनी वश में करने वाली, श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती गलन मोह तम सो से प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज की चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं, उसके बड़े भाग्य हैं। तो आइए जानते हैं श्री गुरु महाराज की चरण नखों की ज्योति। श्री गुरु महाराज की पद चरण नख नखों की मणिगण ज्योति, ज्योति मणिगण मणियों के गण का मतलब समूह के समान है। श्री गुरु महाराज की पद नख चरणों के नखों की ज्योति मणिगण मणियों की समूह के समान प्रकाशित है और सुमिरत मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही, अर्थात सुमिरत सुमिरण करते ही याद करते ही, ये का मतलब हृदय में दिव्य दृष्टि होती हो जाती है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है।
वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह प्रकाश सप्रकाशु, वह प्रकाश मोहोत्तम, तम का मतलब अंधकार, मोह का मतलब मोह, सो का मतलब वह, से प्रकाश हो वह प्रकाश तम मोह अज्ञान रूपी अंधकार का दलन नाश करने वाला है। बड़े भाग उर का मतलब हृदय में, आवई आ जाता है, आवई आ जाता है, जासु मीन्स जिनकी, जासु बड़े भाग, जिनके बड़े भाग हैं कि उर आवई कि हृदय में आ जाता है, क्या वह प्रकाश, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, वह प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। जासु जिनके पूरे हृदय में आवई आ जाता है, बड़े भाग उनके बड़े भाग्य हैं। वह क्या, वह प्रकाश अंधकार को नष्ट करने वाला प्रकाश, कौन सा अंधकार, मोहरूपी अंधकार। अब आगे देखिए, उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जी खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। उघरई उसके हृदय में आते ही, उसके हृदय में आते ही, एक बार एक मिनट लगेगी, हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। विमल का मतलब निर्मल, विलोचन ही की, विलोचन का मतलब नेत्र, उघरई उघरई का मतलब खुल जाते हैं, जिनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उघरई का लोग खुल जाते हैं, विमल निर्मल विलोचन ही के नेत्र, जिनके हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। मिटे ही मिट जाते हैं दोष दुख, दोष और दुख, भव रजनी के, रजनी की का मतलब संसार रूपी रात्रि के, भव काम संसार, रजनी मीन्स रात्रि, संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिटे ही मिट जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक के, रामचरित रूपी मनी मणि और माणिक माणिक के, गुप्त प्रकट, गुप्त कहना छिपे हुए और प्रकट दिखाई देने वाले, जहें जहां जो जे ही जिस खानिक खान में है, गुप्त प्रकट जहां जो जिस खान में है, सूझें दिखने लगते हैं,
सूझें जहां जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। फिर देखेंगे एक बार, उसके हृदय में आते ही गुरु महाराज के चरण कमलों की जो ज्योति है, हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, उभरे ही खुल जाते हैं, विमल निर्मल बिलोचन ही के नेत्र, हृदय के नेत्र निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, भव संसार रूपी रजनी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं, रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त हो या प्रकट हो, जहां जो जिस खान में हो सूझे दिखाई देने लगते हैं। दोहा, जथा सुअंजन अंजि दृगय साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। जथा मीन्स जैसे, जथा मीन्स जैसे, सुअंजन, सुअंजन का मतलब होता है सिद्धांजन, ऐसा अंजन, अंजन का मतलब होता है काजल, जो अंजी दृग, दृग का मतलब होता है नेत्र, अंजी ऐसा नेत्रों में लगाकर साधक, ऐसा अंजन जो सिद्ध हो और उसको नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान, साधक सिद्ध और सुजान। शैल का मतलब पर्वत, वन वनों, भूतल पृथ्वी के अंदर, भूरि का मतलब अत्यधिक, निधान का मतलब खजाना, कौतुक से देखत का मतलब देखते हैं, कौतुक से देखते हैं, आश्चर्य से देखते हैं, पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। जथा जैसी सुअंजन सिद्धांजन, अंजी दृग, अंजी का मतलब वह अंजन, दृग नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान। शैल पर्वतों वन वनों भूतल पृथ्वी के अंदर, भूरी अत्यधिक, निधान का मतलब खजाना, कौतुक कौतुक से देखत देखते हैं। धन्यवाद।